एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स। तो देखो, मैं नहा ली हूँ, रेडी नहीं हुई, और आप सोच रहे होंगे एक दीदी ने वही साड़ी पहना है। जी हाँ, जो कल साड़ी पहना था वही साड़ी मैंने आज भी पहना है, क्योंकि मेरे को इसमें रील्स बनाना है और कल लाइट नहीं आई, इस वजह से मेरी रील्स नहीं बनी। और ये देखो, ये सोकर उठ गई है। मेरा खाना भी बन गया, मैंने आज बनाया है आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। ये देखो मेरी आलू बैंगन की सब्जी। बहुत बोलना सीख गई है वो। आजा आजा आजा, देखो बाय कर रही है। कैसा करता बाय? कर देते एक बार उसका। ये देखो, हम ऐसे बाय करते हैं। इतना बोलना सीख गई, पूरी कॉलोनी में बोलते बाप रे बाप क्या बोलती है। और ये सो जाती ना तो और मैं बाहर निकलती, बोलती कहाँ गई ऊ कहाँ गई ऊ। देखो ये बहुत चंचल है। कल मैं पता इसके लिए ड्रेस लेने गई ठंडी के कपड़े, तो मैंने बोला 9 महीने का बच्चा है, दे दो अपन 1 महीना बढ़ के बता। तो फिर बाद में बहुत बड़े बड़े बताए, तो फिर बाद में मैं इसको लेकर के ले ये बच्चा ले बोला ना 5 महीने का बच्चा है, तुम तो 9 महीने का बोल रहे। बहन मैंने ला की भैया 9 महीने की है, वो बोले तीसी है 9 महीने की। तो मैं तो रेडी हो गई, रेडी कुछ नहीं, बस वही नॉर्मल सा रेडी जो होते वही हुआ है। नहा जाएंगे फिर रेडी होंगी। और इसको देखो रो रही है, इसके डेटा कब नहाएंगे और इसको नहलाएंगे। मैं नहलाऊंगी तो ना मैं गीली हो जाऊंगी, या मेरे ऊपर चढ़ती नीलाने जाओ तो क्या है यार। बस रोना रोना, पेट पूजा करते फिर भी रोना, क्या आया भूत आया। मेरे को भूखा लग लगी, रात को कुछ भी नहीं खाया तो अभी इतनी भूख लग रही है, क्या बताऊं। शिवाय नहाएंगे, इसको नहलाएंगे, इसको रेडी करूंगी, वो रेडी होंगे उसके बाद में खाना खाएंगे। बदमाश, मेरा खाना लग गया। आलू बैंगन की सब्जी मसाले वाली बनी है, सेव अचार रोटी। मेरा बच्चा इधर खेल रहा है, उसके देना पड़े लाडो केचा खेले गए चाहे 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 चा खेले गए चा बम्माच। लो बाबू जल्दी खाते जाएंगे, फिर हम खाना खा लेते हैं अभी, फिर घर जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर, और हमारी एक कंफ्यूजन आ गई है, एक गाड़ी एरी और एक गाड़ी एरी, दो गाड़ी है और दोनों गाड़ियों को लेकर जाना है, कैसे लेकर जाए। अभी सोच रहे एक से चल जाते, एक को बाद में लेने आ जाएंगे। हाँ वही करना पड़ेगा। कबाड़े आते में दे दूँ? पापा गाड़ी की चाबी निकाले, कबाड़े आते में। अभी हमने रील्स बनाई है, अब हम नीचे जा रहे हैं। अंधेरा क्या है, इसको भेज फेंको पे। बिल्कुल पहले फुर्सत में निकाल। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, 2 बज गई है। कल सामान लेकर आई थी तो समझ में नहीं आया, तो आज रिटर्न करने जा रही हूँ। शिवाय आए हैं तो ले जा रहे हैं, मैंने चेंज कर ली हो गया, साड़ी का वीडियो वगैरह बना लिया है। चलो देर हो रही है, आगे मेरे को घर भी छोड़ना है आपको। गाड़ी गई ना, भी गई। चलो निकाले गाड़ी। रुक जा अपन। मम्मी अजीत भी पीछे लगा। बाबू हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आह निकल गाड़ी। ए मजा आ गया। साथ में हमारा पुछंडा जा रहा है। ओ पुछंडे, तेरा जरूरी है कबाब में हड्डी। हम जाए और हमारा बेटा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा बच्चा तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। क्या ट्रैफिक है, दिवाली है दिवाली। आ रहा रहा क्या? आ रहा रहा रा। तो अभी हम मार्केट से आए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। अरे यार मत उसको बिचकाया करो, उठाओ लो तुम्हारी बेटी। जब ही संभालते हो उसको। तो इधर काना भी हमारे साथ आया था ये गाड़ी लेने के लिए, और शिवाय इससे आए थे। हम तीनों जन इससे आए और अब इससे जाएगा काना और शिवाय इससे जाएंगे। क्या चाहिए तेरे को? कहीं नहीं चाहिए। तो फिर रुका के निकलते हैं। वन दीदी को लेके जा रहा ना, रख दे सामान, चलो तुम भी जाओ। बाय 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 बाय। गए गए चाचू और डेडा, गए मामा और डेडा। आओ गई।
तू जाएगी? आ गए बेटा गए, जाएगी तू? आओ जाएगी जाना। तो अभी हम घर आए हैं, अब मेरे कपड़े पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, सब काम पड़ा है। और सिलाई को देखो, मेरा सामान के सब बाहर फेंक दिया, सब्जी भाजी और मेरे कपड़े। अब उनको अभी दू। ए भगवान थक गई यार मैं तो आज। अच्छा सो प्रिंस इधर खेल रही है और साथ में बिस्किट खा रही है, उसके हाथ में बिस्किट है। लाडो आहो आहो ये बेटे आहो। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैंने अभी कपड़े धोए प्रिंसी सोई थी जब तक, और बर्तन मांजी झाड़ू निकालना है, तो प्रिंसी को अंदर छोड़ रही तो अंदर नहीं खेल रही है वो। तो मैं सोचा क्या करूँ यार, तो उसको मैंने बाहर डाल दिया है वाकर में, और मैं भी बैठी हूँ। अब झाड़ू तो निकालने जाऊंगी तो रोने लग जाएगी, झाड़ू अब बाद में निकालूंगी। आज तो मेरे पोछे भी नहीं लगे, ये इतनी रोई मम्मी के पास। हाँ हमको वीडियोस बनाना था, उसको मम्मी को देती तो बहुत रोई। भगवान ऐसा बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा होगा इतना रोने वाला, बहुत ऐसी रोई है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने फ्रिज को रिपेयर करने के लिए बुलाया है शिवाय को, बोल बोल कर थक गई कि आहो बुला। वो बोलते बुलाऊंगा और बुलाते नहीं, तो मैंने आज भी यहाँ को बुलाया है फ्रिज रिपेयर करवा ले, तो मेरे को भी करवाना है और ऊपर आंटी को भी करवाना है, तो हम दोनों का साथ में हो जाएगा रिपेयर। चल इसकी भी मैंने ड्रेस चेंज करके कपड़े बदल दिए पूरे, मुँह हाथ धुला दिया इसका मैंने। इधर हमारा फ्रिज रिपेयर हो रहा है, देखो कितना गंदा था। सो अभी मैंने आप सबको बताया कि मैंने फ्रिज रिपेयरिंग के लिए भैया को बुलाया था, तो भैया आए थे और उन्होंने रिपेयर तो किया, फ्रिज चालू भी कर दिया, एक छोटा से डिवाइस डाला उसमें, और उसके मेरे को पता है कितना चार्जेस बताते, 750 रुपये बोलते, सर्विस चार्ज भी लगेगा 250 रुपये ऐसा वैसा, जबकि वही फ्रिज को भैया 100-150-200 रुपये में पूरा रिपेयर करवाते थे। 200 भी और मैं ज्यादा बोल रही हूँ, भैया तो 100-150 में पूरा रिपेयर करवा लेते थे, और मेरे को 750 रुपये प्लस सर्विस चार्ज बता दो आप। तो मैंने तो नहीं बोला, मैंने फिर भी सोचा मतलब कि सर्विस चार्ज हम दो ऊपर वाले आंटी और हम दोनों मिलके दे देंगे, और जो भी डिवाइस का खर्चा है वो दे देंगे। बोलता नहीं सर्विस चार्ज तुम्हारे से अलग लूंगा और ऊपर जो है उनसे अलग लूंगा। बोले क्या फ्री एक सर्विस चार्ज में पूरे घर का काम करके जाऊं। उन्होंने फ्रिज चालू भी कर दिया था सब, और उसके बाद में ज्यादा बताना पेमेंट मिला। भैया एक काम करो, आप आपका जो भी सामान लगाए निकाल लो और रहने दो, मैं सब बाद में दूसरे से रिपेयर करवा लूंगी। इतना ज्यादा पैसा कौन लेता है यार सर्विस चार्ज प्लस डिवाइस वगैरह रिपेयर करने के? उन्होंने 250 रुपये लिए और सामान लगाए उसके ज्यादा ही, मतलब रहने दो। मैंने 400 लास्ट बोल दिए थे प्लस सर्विस चार्ज के, तो नहीं बोलूंगा, नहीं होगा, मतलब रहने दो फिर मैं किसी और से करवा लूंगी, इतना जरूरी तो नहीं है मेरे को। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रही है और मैं बना रही हूँ दाल बाटी। आप सोच रहे होंगे दाल बाटी बना रहे हैं दीदी, देखो मेरी दाल चढ़ चुकी है, आटा गूंथ चुका है, शिवाय की सिस्टर्स आए हैं, तो मैंने सोचा दाल बाटी बना लो। ये देखो ये दीदी आए हैं, सोनाई थी प्रिंसी से मिलने आए, जब प्रिंसी छोटी थी ना तब भी मिलने आए थे, और अभी भी आए इंदौर रहते हैं, और एक दीदी आए हैं वो मार्केट गए, आए थे ना बेटे तुझसे मिलने। दाल बाटी बना रहे और शिवाय को पता नहीं है कि दीदी आए हैं, शिवाय के लिए सरप्राइज। सो इधर मेरी बाटी बॉइल हो रही है और इधर दाल पक चुकी है, बगा ये मेरी गोद में से नीचे नहीं उतर रही, खाना बनाना है। सो ये देखो कितनी ज्यादा मिट्टी है रेत पूरी यहाँ ऊपर से गिरी, कितनी ज्यादा है, मैं इसको पूरी साफ करूंगी। ऊपर से बारिश होती थी तो पानी यहाँ नीचे आता था, फिर मैंने आंटी को बोला तो आंटी ने आज पूरा पैक करवा दिया, तो थोड़ा बहुत कचरा गिरा है, तोड़ फोड़ करके सब कराया उन्होंने, तो थोड़ा बहुत कचरा गिरा है तो इसको हमें समेट लेते, नहीं तो बारिश में ना मेरी अलमीरा भीगने का डर था। तो हमारा खाना वगैरह सब हो गया, बस शिवाय आएंगे, शिवाय का वेट कर रहे, शिवाय खाएंगे खाना, मैंने अभी थोड़ा ही खाया, प्रिंसी जग गई तो अब शिवाय आएंगे उनके साथ खाऊंगी, और हम लोग शिवाय का रिएक्शन देखना है। ये आए हैं ना दीदी और ये, तो ये एकदम सरप्राइज देंगे, पता नहीं ऐसा तो शिवाय को मेरे को लगता है भनक लग गई है कि आ रहे हैं, क्योंकि सुबह इतने फोन करा था ना कि कहाँ है शिवम, तो वो बोल रहे थे मेरे को कि वो आ रहे हैं, शायद इसलिए कॉल किया। डाउट तो अभी हम बाहर घूम रहे हैं और वो दीदी ना अंदर है, बोला रूम में ही रहना और फैन चालू है, लाइट बंद है,
मैं बाहर घूमूंगी, शिवाय को लगेगा कोई नहीं आया, और अंदर रहूंगी ना तो उनको डाउट हो जाएगा कि हाँ कोई ना कोई आया हुआ है, तो मैं इसलिए बाहर ही घूम रही हूँ। वो अभी बस आने में ही, उनको मैंने बोलता था बाबू आओगे तो कॉल करना, मेरे को सामान बोला, ऐसे मैंने बॉर्नविटा वगैरह बुलवा लिया तो वो बस निकल गए हैं। आती होंगी 15 या 20 मिनट में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और इसको देखो, ये ना उनसे बात भी नहीं कर रही, उनके पास जा भी नहीं रही, बहुत रो रही है। क्या मालूम इसको क्या हो रहा है, डर रही है देख के क्या। ऐसे तो नहीं डरती बट उनको देख के ज़्यादा ही डर रही है, जा नहीं रही है। जाना बेटा, बुआ है ना तेरी, बुआ बोलता ना तू, बुआ तो जाता क्यों नहीं फिर। सब शिवाय का वेट करते हैं और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। अल के चलते देता एक बार और तो झुकेगा का तीन दिन। लो इसको लो, मैं थक गई बाबू सब। मैं तो झुकूंगी, मिले देता है। अब संभालना तुमने, कब से उसको देखो नहीं कितना सब ले लिया उसने खाने पीने, उसको घुमा घुमा के। अरे कहाँ जा रहे हो यार, मेरे को भूख लगी है। आहो नहीं ना यार, उसको देखो कितनी मजा रही बांदरी को, जरा सी को तो सीधी चल अंदर। चला वापस आ, चला जा मेरे पास आ, चला माँ हूँ मैं उसकी, आएगी मेरे पास, चला। हम डेडा लवर, अरे डेडा लवर की दीवानी, वापस गाड़ी पलटाओ, नंदा राव चलो चलो बेटा, नम नम खाएंगे। दात्री तेरा दात तो फटते है, चल 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 चल, अले चलो 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 चलो, अले अले अले, बच बच, ज्यादा नहीं हचना। कितना घूम लिया तुमने, क्या क्या है, खोली डिक्की, ये तो पकड़ो। एक और दो चीज ना, बहुत सारा सामान है, इच्छे ज्यादा तो देता, हमने क्या आए हैं। हाँ चलो, अल्ले गेट खोना नहीं, खोना नहीं टिंडे। अब मेला लौकी, अल्ले 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 करना है, अल्ले देता है, अल्ले किचके देता है, ये मेले है कि पिंछी के है। हम अच्छी नहीं तो कैसी बातें कर लेंगे, आल देता। बाबू खिचड़ी बनी खा लोगे कि पक्का। ये देखो कितना सारा खाना पीना हो गया, इसमें से खाएगा क्या तू टिंडे, हो गया तेरा प्यार, 2 मिनट का प्यार। फैन ऑन करो यार, लो बाबू इसको दो ना, मुंह हाथ धो लेता 5 मिनट, जल्दी मुंह हाथ धो ना, चला जा बाट के चला। तो अभी हम फ्री हुए हैं और यहाँ पे बिग बॉस देख रहे हैं, शिवाय गए हैं प्रिंसी को ले, दो प्रिंसी है का, और मेरी छोरी को ले गए। बाप रे, प्रिंसी को जाने को आधा घंटा हो गया, रोएगी तो भक्ते भक्ते आएंगे अंकित, सुना बाप रे ले गए, मेरे को फोन करके पूछना पड़ेगा।